कांग्रेस इस समय चुनावों में लगातार हार, एक के बाद एक सत्ता से दूरी, आपसी गुटबाजी और बगावत का सामना कर रही है। इन मुश्किलों ने देश की सबसे पुरानी पार्टी के आवा नेतृत्व के माथे पर चिंता की लकीरें डाल दी है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो अपनी ऊर्जा अपना घर ठीक करने में लगाए या फिर विरोधी से निपटने में। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चिंतन और मनन करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान के उदयपुर में 3 दिन का नव संकल्प चिंतन शिविर शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें 2024 के आम चुनावों के साथ आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति पर मंथन होगा। वहीं चिंतन शिविर से पहले सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की एक अहम बैठक भी होने जा रही है। CWC की मीटिंग शाम 4:30 बजे पार्टी मुख्यालय में होगी। इस बैठक में चिंतन शिविर के एजेंडे के साथ साथ पार्टी के भविष्य की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पिछले महीने घोषणा की थी कि 13 से 15 मई तक 3 दिवसीय चिंतन शिविर उदयपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के पार्टी नेता आंतरिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे और संगठन को मजबूत बनाने के लिए समाधान सुझाएंगे। इस शिविर में पार्टी के करीब 400 बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। गौरतलब है कि हाल ही में चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस से जुड़ने की चर्चाएं थी। पार्टी आलाकमान की उनके साथ कई बैठकें भी हुई थी, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि बाद में यह साफ हो गया कि कांग्रेस प्रशांत किशोर से दूरी बना कर ही रखेगी। इस मामले के बाद कार्य समिति की यह पहली बैठक है। ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि बिना प्रशांत किशोर के कांग्रेस किस तरह से आगे की रणनीति बनाती है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग को लगभग 100 दिन होने वाले हैं। रुकने के बजाय दिन ब दिन ये जंग और भी भीषण रूप लेती जा रही है। एक तरफ जहां जंग में रूस ने यूक्रेन के लगभग सभी शहरों को तबाह कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ जारी युद्ध के बीच रूस में सोमवार को विजय दिवस मनाया गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की सेना के खिलाफ मिली जीत के बाद रूस हर साल विजय दिवस धूमधाम से मनाता है। पुतिन ने इस बार प्रण किया कि रूस हिटलर की तरह से यूक्रेन को भी जंग में पराजित कर देगा और विजय दिवस की परेड में दिखा भी कुछ ऐसा ही। ऐसा लग रहा था कि इस विशाल परेड के जरिए पुतिन रूस के महाविनाशक हथियारों का प्रदर्शन कर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा रहा हो। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब 3रे महीने में पहुँच गयी है। पश्चिमी देशों के हथियारों के दम पर यूक्रेन की सेना रूस को करारा जवाब दे रही है। उधर जंग में भारी नुकसान के बाद पुतिन हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इस बार के विजय दिवस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी। सबको इंतजार था रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन से जारी जंग के बीच क्या संदेश देते हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पुतिन ने अपने भाषण के दौरान यूक्रेन और नाटो पर जमकर वार किए। अपने भाषण के दौरान पुतिन ने कहा कि नाटो हमारी सीमा पर रूस के लिए खतरा पैदा करना चाहता था। यही नहीं, यूक्रेन ने परमाणु हथियारों पर बातचीत भी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि हमारी ड्यूटी है कि हर वो चीज करें जिससे दुनिया में युद्ध फिर दोबारा ना हो। आपको बता दें कि रूस हर साल 9 मई को 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर दर्ज जीत की खुशी में विजय दिवस यानी विक्ट्री डे मनाता है। पहली विक्ट्री डे परेड 24 जून 1945 को आयोजित हुई थी। इस दौरान रूसी सैनिकों ने न सिर्फ नाजियों से मॉस्को के लिए लड़ाई लड़ी थी, बल्कि लेनिनग्राद और स्टालिनग्राद की भी रक्षा की थी। दिल्ली के शाहीन बाग में जहां एक तरफ बुलडोजर पहुंच चुका है अतिक्रमण हटाने को लेकर, अब ये देखिए बुलडोजर पूरी तरीके से यहां पर जो है चला दिया गया। ये घर जो है
ये स्थानीय घर है एक जिस जहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा हो। ये आप ठीक इधर देखिए, ये स्थानीय विधायक यहाँ के अमानतुल्लाह खान है। जैसे ही बुलडोजर ने अपना पंजा उठाया, ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ने लगे हैं। फिलहाल ये देखिए, यहाँ पर निगम के तमाम अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ इस जगह पर, यानी ये जो मेरे सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस पर जो है बुलडोजर चलाने की तैयारी करने लगा है। ये देखिए पंजा जो है बुलडोजर कर चुका है। यहाँ पर लोग जो है तमाम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब यहाँ पे कोई किसी तरह का अतिक्रमण है ही नहीं, तो बुलडोजर किस लिए चलाया जा रहा है। और जब से अखबारों में ये खबरें आ रही थी कि यहाँ पर बुलडोजर चलाया जाएगा, जिन लोगों के सामान बाहर रखे हुए तो उनको अंदर रख लिया गया था, तो अब किस बात की ये कार्रवाई की जा रही है। तो तमाम यहाँ नेता मौजूद हैं, अलग अलग पार्टी के, चाहे कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के हों। और बुलडोजर ठीक सामने आप मेरे देख सकते हैं, यही बुलडोजर जो है यहाँ पर पंजा उठाए खड़ा हुआ है। और बताया जा रहा है कि जो ये जो सामने घर है, इस घर के जो आगे का हिस्सा है, कुछ सीढ़ियाँ हैं और कुछ जो बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं दुकानों के, लोहे के, स्टीलों के, उनको जो है हटाने की कार्रवाई करने लगा है। फिलहाल निगम के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। फिलहाल ये देखा जा रहा है कि किस तरह ये कार्रवाई पूरी खत्म होगी, क्योंकि लगातार यहाँ पर लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लोग इस कार्रवाई के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं। और अब ये देखिए, तमाम अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं और निगम की कार्रवाई देखिए, निगम के अधिकारी जो है बताते हुए नज़र यहाँ पर आ रहे हैं। आप देखिए कि आगे का हिस्सा जो है उसको हटाया जाना है। ये निगम के तमाम अधिकारी जो है बता रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं इस समय लोकेशन का। और ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से निगम के बुलडोजर ने अपना पंजा उठाया हुआ है, इस घर पर जो है बुलडोजर चलेगा। तो अधिकारियों के मुताबिक ये अतिक्रमण है। ये देखिए, अधिकारी यहाँ पर तमाम अधिकारी मौजूद हैं जो स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं, बता रहे हैं किस कौन सा हिस्सा जो है अवैध है, कहाँ पर यह बुलडोजर चलना है और क्या कितना बुलडोजर चलेगा, इस पर जो है मंथन किया जा रहा है। लोग यहाँ पर तमाम मौजूद हैं जो इस कार्रवाई का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और फिलहाल आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ स्थानीय जो लोग हैं, नेता हैं, वो सभी यहाँ पर आ चुके हैं। भारी जाम लग चुका है, क्योंकि सड़कों पर ही लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये वही इलाका है जहाँ पर CNRC को लेकर पिछले कुछ वर्ष पहले विरोध प्रदर्शन किया गया था। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई, वहाँ पर अगले ही दिन जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया निगम की तरफ से, उसी के बाद से ही दिल्ली के तमाम इलाकों में इस बात की मुहिम उठने लगी कि अतिक्रमण को लेकर जो है बुलडोजर चलना चाहिए। और इसी के चलते जो है अब निगम बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। देश में इन दिनों बुलडोजर काफी चर्चा में है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अब बुलडोजर दिल्ली पहुंच चुका है। इन दिनों अवैध अतिक्रमण के खिलाफ MCD ने विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत कई इलाकों में बुलडोजर से कार्यवाही की जा रही है। पिछले दिनों जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्यवाही के बाद आज बुलडोजर का पंजा शाहीन बाग की ओर घूमा। पूरे लाव लश्कर के साथ MCD बुलडोजर लेके शाहीन बाग में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची, लेकिन इस दौरान लोगों का भारी विरोध झेलना पड़ा। तकरार को देखते हुए वहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए, लेकिन MCD बुलडोजर को अतिक्रमण पर चला नहीं पाई। दिल्ली के शाहीन बाग में जहां एक तरफ बुलडोजर पहुंच चुका है अतिक्रमण हटाने को लेकर, आप ये देखिए बुलडोजर पूरी तरीके से यहां पर जो है चला दिया गया। ये घर जो है, ये स्थानीय घर है एक जिस जहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा हो। ये आप ठीक इधर देखिए, ये स्थानीय विधायक यहां के अमानतुल्लाह खान है। जैसे ही बुलडोजर ने अपना पंजा उठाया, ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ने लगे हैं। फिलहाल ये देखिए, यहाँ पर निगम के तमाम अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ इस जगह पर, यानी ये जो मेरे सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस पर जो है बुलडोजर चलाने की तैयारी करने लगा है। ये देखिए पंजा जो है बुलडोजर कर चुका है। यहाँ पर लोग जो है तमाम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब यहाँ पे कोई किसी तरह का अतिक्रमण है ही नहीं, तो बुलडोजर किस लिए चलाया जा रहा है। और जब से अखबारों में ये खबरें आ रही थी कि यहाँ पर बुलडोजर चलाया जाएगा, जिन लोगों के सामान बाहर रखे हुए तो उनको अंदर रख लिया गया था, तो अब किस बात की ये कार्रवाई की जा रही है। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद MCD के बुलडोजर को मुंह लटका कर वापस लौटना पड़ा, लेकिन इस दौरान राजनीति भी अपने चरम पर दिखी। शाहीन बाग पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने BJP पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया,
तो वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने शाहीन बाग को मिनी पाकिस्तान करार दे दिया। यही नगर निगम और दिल्ली पुलिस दिल्ली के गांधी नगर में, अमर कॉलोनी में, विश्वास नगर में, विजय नगर में कार्रवाई करती है। कानून लागू होता है, लोगों के विरोध के बावजूद भी होता है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हो गए हैं जैसे कि शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, सीमापुरी, यहाँ पर भारत के कानून की, भारत के संविधान की, भारत की पुलिस की, नगर निगम की, इनकी नो एंट्री है। यहाँ कोई संविधान लागू नहीं होता भारत का। क्या कहा जाए ऐसी जगहों को जहाँ पर ना भारत की पुलिस जा सकती है, ना भारत का संविधान लागू होता है, ना कानून लागू होता है। अवैध हथियारों, अवैध धंधों और अवैध घुसपैठियों के अड्डे बन चुके हैं ये शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, सीमापुरी। और मैं तो कहता हूँ कि जब भारत का कानून संविधान लागू ही नहीं होने दे रहे हैं तो इन जगहों को क्या कहा जाएगा। ये तो छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान जगह जगह बनते जा रहे हैं दिल्ली में और देश में भी कई जगह पर। जहांगीरपुरी की तरह शाहीन बाग में भी बुलडोजर पहुंचा तो मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जा पहुंचा। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के अभियान के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से ही इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि जहांगीरपुरी मामले में दखल दिया गया क्योंकि वहां के हालात अलग थे। हमने उदारता दिखाई, इसका मतलब ये नहीं कि हम हर किसी को सुनते रहें, भले ही उसका निर्माण अवैध हो। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि दो जजों की बेंच ने इस बात पर एतराज जताया कि अतिक्रमण विरोधी अभियान को राजनीतिक पार्टियों ने चुनौती दी है। बेंच ने कहा, यह तो अति है, एक राजनीतिक पार्टी यहाँ क्यों आई है, उसके कौन से मौलिक अधिकार बाधित हो रहे हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।